यमुनानगर में पंचायती चुनावों को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का NOC लेने के लिए लघु सचिवालय में भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से उम्मीदवारों को समय पर NOC नहीं मिल पा रही है, जिससे NOC पाने वाले लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव का समय बहुत कम है, ऐसे में अगर NOC समय पर ना मिली तो हम आगे चुनाव की तैयारियां कैसे कर पाएंगे। सर दिक्कत तो आज तक तो वैसे सही मायने में थाने में जाते थे, वहीं से NOC ले लेते थे, वही NOC मान्य थी। इस बार सरकार ने नया बदला कि आप पहले यहाँ पर ऑनलाइन दरखास्त दोगे, यहाँ से थाने में जाएगी। तो एक दिन तो गई, अगले दिन इनका पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल बंद होने के बाद लोग मैनुअल लेके आने लग गए, इकट्ठे कर लेते हैं यहाँ पर, इकट्ठे करते हैं कि जनता इतनी होगी कि जिले को दे नहीं पा रही है। सही मायने में तो वही था कि थाने में से जिस थाने का एरिया है वो वही लिख दे, अभी लिख तो वही रही है, क्योंकि कितनी परेशानी हो रही, कितने दिन इतनी परेशानी, तो इतना आगे 5-7 हज़ार आदमी तो खड़े हो रहा सी, और 5-4 हज़ार फार्म भी ऊपर धरे दिख रहे होंगे स्टेज के ऊपर, तो जो 5-5, 4-4 हज़ार बने तो ये कितना परेशानियां लोगों को, इलेक्शन का टाइम आए चक्कर काट दे SP ऑफिस की फिर रहे। तो कहीं ये तो NOC लेने के लिए है जी, थाने की वेरिफिकेशन आए तो उसके लिए फिर रहे। आपको बता दें कि इस बार पुलिस थाने से मिलने वाली NOC सचिवालय में DSP के नेतृत्व में दी जा रही है। हालांकि पुलिस लोगों को NOC समय पर देने की काफी प्रयास भी कर रही है, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से पुलिस भी जनता के सामने बेबस नजर आ रही है। पंजाब की SUTV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।